तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज हम लोग कुछ नया देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। बहुत लोगों को देखो जेई का एग्जाम देना होगा या फिर बहुत लोगों को नीट का एग्जाम देना होगा, तो आज मैं लेके आया हूँ इसका क्रैश कोर्स। और ठीक है, बहुत लोग होते हैं कि जिनको मतलब NCERT की बुक्स पढ़ना होता है लेकिन पढ़ने में मज़ा नहीं आता है खुद से बुक उठा के, तो उनको कोई भी अब टेंशन नहीं है। कोई भी आप लोग टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे तभी भी चलेगा, बस इन वीडियोज़ को टोटली और फाइनल पूरा का पूरा देख लेना है। ये दोनों के लिए रहेगा, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ से जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं वहां से अगर आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग को एकदम फाइनल 100% क्लियर होना फिक्स है। तो मैं यहां से स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 8 से लेके NCERT की साइंस की बुक, क्लास 8 से लेके फिर मैं इसके बाद 9th की करूंगा, फिर उसके बाद 10th की, फिर 11th की, फिर 12th की, सब लाइन से क्लियर होगा। अभी फिलहाल ये क्रैश कोर्स का है लेक्चर 1 और इसमें मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8th के NCERT की बुक का जो तीनों चैप्टर है स्टार्टिंग के, ये सब के सब इसके इंपॉर्टेंट JEE के लिए और नीट के लिए कौन-कौन इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोग को इसमें आज कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनको JEE का एग्जाम देना है वो इस चैप्टर के, इस वीडियो की स्टार्टिंग के दो चैप्टर बिल्कुल भी मत देखो, बिकॉज ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। और देखो जो इसके बाद का जो थर्ड चैप्टर रहेगा वो आप लोग के लिए है, और जो नीट वालों के लिए है ये इनको सब पढ़ना है, बिकॉज फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट में और बायोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए, नीट वालों के लिए पूरा का पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, बट JEE वालों के लिए स्टार्टिंग के दो चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली वीडियो को बढ़ा के आप लोग इसका थर्ड चैप्टर वॉच कर लो और उसकी नोट्स भी प्रॉपर प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो बस आप पूरे वीडियोस को देखिए और इसे जरूर दूसरे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, एकदम फैला दीजिए, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला है, पूरी की पूरी वीडियो जरूर वॉच करना। तो आप देख रहे हो नया चैनल यूट्यूब के अंदर न्यू इंडियन एरा। ठीक है, और ये बेस्ट एकदम हैंड रिटन नोट्स है, मतलब मैंने इसको अच्छे से खुद से टाइप किया है, पूरे कंसेप्ट निकाले हैं जो कि आपको रिक्वायरमेंट है इन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो ये है लेक्चर 1, लेक्चर 2 सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में वीडियो के मिल जाएगा, यहां से आप मुझे ईमेल करके कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखो जो ये क्रॉप है, मतलब इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस तो कभी भी ना ही नीट में ना ही JEE में, JEE में तो फिलहाल यहाँ से कुछ आने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी अगर नीट में कुछ भी पूछा तो ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते नहीं है। फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपको कंसेप्ट आपका क्रिएट कर सकता है, मतलब जिससे आप लोग कुछ लॉजिक लगा सकते हो, जो आपको मतलब नेक्स्ट लेवल हाई लेवल 9th और 10th और 11th के कंसेप्ट को समझने में हेल्प करेगा, उतना मैं आपको एकदम नॉर्मल सा बता देता हूँ क्योंकि ये 8th की बुक में है तो मेरा बताना फ़र्ज़ है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रॉपरली मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। तो सबसे पहले देखो, आप लोग विलेज वगैरह में गए हो, विलेज में गए हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि क्रॉपिंग्स होती है। ठीक है, मतलब फार्मर्स जो होते हैं वो फार्मिंग करते हैं, तो फार्मिंग में करते क्या है वो लोग, क्रॉप्स को मतलब उगाते हैं। तो क्रॉप्स होता क्या है एक्चुअली, ये जान लेते हैं। तो व्हेन अ प्लांट्स ऑफ अ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड मतलब जिसको उगाना मतलब बनाना खेत के अंदर डालना, ठीक है, कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप। क्रॉप नॉर्मली दो टाइप की होती है, एक होती है खरीफ और एक होती है रबी। जो खरीफ होती है नॉर्मली मार्च तक चलती है, अक्टूबर से मार्च तक, और उसके बाद ये जो रबी की होती है ये जून से लेके सितंबर तक चलती है। फिलहाल इनका कुछ यूज नहीं है पर फिर भी आप जान लो, नॉर्मल सा ऐसा है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर था तो मैंने यहाँ पे बना दिया इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्रॉपिंग करनी है या फिर फार्मिंग करनी है तो सॉइल को आपको लूज करना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फार्मर्स का फ्रेंड होता है वो होता है अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो सॉइल के अंदर होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चले कि भाई सॉइल के अंदर छोटे छोटे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, ये जान लो, आगे हेल्प करेगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, किसी भी सॉइल को अगर आपको मतलब उसके अंदर आपको फार्मिंग करनी है तो सबसे पहले सॉइल को लूज करना पड़ता है, यानी कि जो टाइट सॉइल होती है उसको ट्रैक्टर के थ्रू या फिर किसी ना किसी चीज के थ्रू लूज करना पड़ता है, तो टर्न करना पड़ता है, टर्निंग करना पड़ता है, उसी चीज को टिलिंग बोलते हैं या फिर प्लफिंग बोलते हैं। प्लफिंग देखो दो मतलब बैलों को यूज करके जो यूज करते हैं ना उसको प्लफिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्लफिंग करते हैं और प्लफ्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन, मतलब जिसको फार्मर्स यूज करते हैं वो दो बैलों को यूज करके जिसको पकड़ के मतलब जो फार्मर्स होते हैं वो खेत को टीलिंग या फिर लूज करते हैं उसको हम लोग प्लफ बोलते हैं, और ये प्लफ आयरन यानी लोहे से बनता है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो देखो जब समझ लो आपने क्रॉपिंग कर दी, यानी कि फार्मर्स जो होते हैं फार्मिंग उन्होंने कर दिया, तो अब क्या मतलब, तो देखो उसमें जो मैन्योर होता है और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये बहुत सारे यूज होते हैं, जिससे कि फायदा ये होता है कि जो क्रॉप्स होती है वो बहुत ही बेस्ट अच्छे से बढ़ती है, मतलब बहुत ही फायदा मिलता है इससे। ठीक है, तो चलो इसके बारे में समझते हैं। मतलब हेल्दी ग्रोथ अगर करवाना है आपको, ज़्यादा यील्डिंग चाहिए, मतलब अगर ज़्यादा आपको मतलब मुनाफा होना चाहिए, ऐसा अगर आप लोग कुछ करते हो तो आपको मतलब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मतलब जो मैन्योर है और मतलब जो ये फर्टिलाइजर है इसमें से डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं फर्टिलाइजर। जो फर्टिलाइजर होता है ये मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। तो याद रखना आप लोग को 10th के और 11th के लेवल में भी फर्टिलाइजर आप लोग ने पढ़ा है, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और ये इसको इंसान बनाते हैं, मैन मेड होता है। बट जो मैन्योर होता है ये एक नेचुरल सब्सटेंस है, घर में जो वेट या फिर ड्राई वेस्ट मटेरियल जो बचता है उसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं किसी एक डंग में, जैसे काउ डंग हो गया, कैटल डंग हो गया, कुछ भी एक जगह हम लोग इसको रिस्टोर करते हैं, और फिर उसके रेसिड्यूज यानी कि जो सड़ा हुआ इसका मटेरियल बन जाता है उसको हम लोग मैन्योर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना दोनों का काम एक ही है, बस ये मैन मेड है और ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये फैक्ट्रीज में भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट ये नॉर्मली हम अपने जो फील्ड होता है खेतों का वहां पर ही हम लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमन टू द सॉइल। देखो कोई भी मतलब नॉर्मली जो ह्यूमस है, ह्यूमस यानी कि नॉर्मल ह्यूमिडिटी यानी कि कोई भी चीज ऐसे, इससे सॉइल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फर्टिलाइजर से, बट जो मैन्योर होता है ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन। देखो अब ये एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स प्लांट्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए उनको जरूरत होती है नाइट्रोजन की। ठीक है, और ये फर्टिलाइजर से नाइट्रोजन मिलता है, किसमें जाता है नाइट्रोजन, ये जाता है सॉइल में, और सॉइल में जब नाइट्रोजन रहेगा तभी प्लांट प्रॉपर ग्रो कर पाएंगे, इसीलिए बहुत ही फायदा होता है। प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और ये हमें फर्टिलाइजर से मिलता है। तो ये चीज आपने सीखी, कहीं भी पूछेगा तो आप बता सकते हो। ठीक है, और जो मैन्योर्स होता है इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। इसमें बहुत ही लेस मतलब प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये बहुत ही कम होते हैं, बस इतना आपको डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही बेस्ट यहाँ पे पॉइंट्स हैं। देखो जितने भी डॉट डॉट बोल्ड में ये सारे पॉइंट लिखे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इतना आपको याद रखना है। चलो देखो, अब समझ लो आपकी जो क्रॉप से अच्छी खासी हो चुकी है, तो फिर हम लोग करते हैं इरीगेशन। इरीगेशन मतलब होता है क्रॉप्स को देना वाटर, वाटर जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं इरिगेशन करना। ठीक है, प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम में, एक महीने में 15-20 दिन में हम लोग क्रॉप को क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेल्स है या फिर ट्यूब वेल्स है, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स, कहीं से भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 90% वाटर प्रोड्यूस होता है, मतलब प्रेजेंट होता है, कोई भी प्लांट ले लो दुनिया का उसके अंदर 90% वाटर होता है उसके पूरे हैवी वेट में का। ठीक है, इतना याद रखना, जितना वाटर का वेट होता है मतलब जितना पूरे प्लांट का वेट है उसमें से 90% उसके अंदर वाटर का वेट होता है, यानी कि H2O का वेट होता है। नेक्स्ट है इन फील्ड ऑफ मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स। देखो यहाँ पे एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है, जो फार्मर्स होते हैं, देखो कोई भी अगर फार्मिंग करते हैं तो पूरे के पूरे फील्ड में, देखो ध्यान समझना, वहाँ पे जो उनके पास मतलब प्लांट्स हैं उनके अलावा दूसरे भी जो ग्रासेस होते हैं आ जाते हैं एक्स्ट्रा, उसको हम लोग बोलते हैं वीड्स। बट ये वीड्स की वजह से जो अपने वाले जिनको डिजायर है, जिनको हमने क्रॉप्स किया है, वो क्रॉप्स प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे वाले अनडिजायरेबल जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो ग्रासेस वगैरह कुछ भी वीड्स हो गया, उनको हम लोग वीड्स कहते हैं। तो इन वीड्स को हटाना होता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वीडिसाइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो ये वीड्स की ग्रोथ को हम लोग वीडिसाइड्स के थ्रू क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलो, और जब लास्ट में हमारा जो पूरा प्लांट है यानी कि जो पूरा क्रॉप्स है अच्छे से अगर मतलब ग्रोथ हो गया, तो फिर हम लोग इसकी करते हैं हार्वेस्टिंग, और जिसकी वजह से हमारे घर में जो भी वीट होता है, जिसकी भी हम लोगों ने क्रॉपिंग की थी, वीट होता है या फिर राइस होता है या फिर कोई भी सीरियल्स हो गया, ठीक है, तो ये सब कुछ अपने घर में आ जाता है एट द एंड लास्ट में, तो ये हमको रिजल्ट मिलता है इसका, तो ये इसकी हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पहला चैप्टर था ये, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, पूरा चैप्टर तो बहुत बड़ा है, इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं जो कि शायद आपको इससे वर्ड है, इरिगेशन है, वीडिसाइड है, फर्टिलाइजर, मैन्योर, तो ये सब कुछ आपको अच्छे से समझना था। और जैसे फर्टिलाइजर के अंदर हो गया फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए भाई कि होता क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, एक चीज़ सीखने मिला कि प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, पोटेशियम है, फिर उसके बाद मतलब फॉस्फोरस पोटेशियम, इन सब की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, बहुत जरूरी होती है, जबकि ये मैन्योर के अंदर एक भी प्रेजेंट नहीं होते, बिकॉज मैन्योर नेचुरली प्रोड्यूस होता है और फर्टिलाइजर जो होता है ये कैसे मैनमेड होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आप लोग को 11th में भी, कोई भी अगर स्टेट बोर्ड से हो तो 11th में भी आपको पढ़ने मिलेगा, फिर ये 10th में भी आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सोचो आप 8th में इसके बारे में पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, और ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, ये हम लोग ना भूल जाते हैं और ये हम कुछ पढ़ते नहीं है, हम डायरेक्टली 10th और 11th की बातें करते हैं जिसमें, और जो कि ये 8th में होता है ये सब हम भूल चुके होते हैं। तो अब से आपको ये सब कुछ नहीं भूलेगा, हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। इन दोनों मतलब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमको समझना है, और कैसे और क्या मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों नहीं है। तो जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिकॉज पूरे चैप्टर में से मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट निकाला है और आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे मतलब इस अर्थ में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। देखो ऑर्गेनिज्म क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है कोई भी एक लिविंग थिंग्स जो मूव कर सकता है, जो मोशन परफॉर्म कर सकता है, जो कोई भी अंदर अपने, जैसे हम लोग अपने बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन, ठीक है, तो ऐसे कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकता है उसे हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म होता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म, एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब छोटा सा और मैक्रो मतलब बड़ा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अलगी, इन सब के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, लाइक फंगाई भी। ठीक है, तो ये सब के सब एक ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, सम अल्गी एंड सम वायरसेस आल्सो। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सब के सब मेजर ग्रुप्स हैं, सारे के सारे जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर माइक्रोब्स, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है भी सिंगल्ड सेल लाइक बैक्टीरिया, सम अल्गी एंड प्रोटोजोआ एंड मल्टी सेलुलर सच एज मेनी अल्गी एंड फंगाई, मतलब जो अल्गी होती हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड फंगाई ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों के दोनों मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो बैक्टीरिया है और जो यहाँ पे देखो सम ऐसे कुछ प्रोटोजोआ या अल्गी हैं ये सिंगल सेल यानी कि जो मतलब यूनिसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अभी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो समझने लायक है कि जो मतलब बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो कुछ है कि मार्शी लैंड में रहते हैं, कुछ है कि आइस या फिर कोल्ड कंडीशन में, कुछ हॉट स्प्रिंग वाले एरियाज यानी कि इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। तो ये डिफरेंट मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट है अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये उनके मतलब एडॉप्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे मतलब चीज़ों को, कैसे इन्वायरमेंट को वो अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। देखो जरूरी नहीं कि ये कोई मार्शी प्लेसेस या आइस कंडीशन में या मार्शी लैंड में या फिर हॉट स्प्रिंग वाले कंडीशन या इन्वायरमेंट में ही रहे, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर भी रहते हैं, तभी तो हमें इन्फेक्ट कर देते हैं ये। ठीक है, तो ये इन्फेक्शंस के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे ह्यूमन बींग्स की बॉडी या फिर प्लांट्स की बॉडी, ठीक है, या फिर कोई भी मतलब दूसरा जिसके अंदर ही रह सकते हैं उन सब के अंदर ही अपने आपको लाइफ बना सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये बहुत ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वायरस के बारे में। आजकल वायरस का बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं अपने इंडिया में भी, आप बहुत सारे वायरसेस का नाम तो जानते ही हो, अभी फिलहाल में एक का वायरस है कोरोना, ठीक है, इसके बारे में तो आप सब जानते हो। ठीक है, इससे बहुत सारी बीमारियां फैल रहा है लाइक COVID-19, COVID-2, ठीक है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, तो वायरस के बारे में समझते हैं एक्चुअली भाई वायरस क्या होता है। ठीक है, देखो तो सबसे पहली बात, जो
वायरस होता है ना, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब ये माइक्रोस्कोप में से दिखाई देता है, हम इसे डायरेक्टली अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। नेक्ड आई मतलब डायरेक्ट इसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट होता है एकदम टोटली, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये वायरस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे कि जो ये वायरस होते हैं ये प्रोड्यूस इनसाइड द सेल, मतलब अगर आप लोग एक वायरस को बाहर खुले में छोड़ दो तो ये एक वायरस से दूसरे वायरस बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, बट अगर यही वायरस, इसको अगर जिंदा रहना है तो ये किसी ना किसी अंदर होस्ट बॉडी के अंदर ही रह सकता है, ठीक है। तो सपोज अगर यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग है और उसके अंदर ये वायरस जाएगा तो ये अपने आप को एक से डबल कर सकता है, यानी कि तभी अपने आप को ये रिप्रोड्यूस कर पाएगा। अब चाहे इसे ह्यूमन बीइंग की बॉडी मिले या फिर कोई दूसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी मिल जाए, मतलब ये वायरस इतना खतरनाक होता है कि ये कोई भी दूसरी बैक्टीरिया या एनिमल या प्लांट किसी के भी अंदर ये अपने बॉडी को, अपने लाइफ को बचा के रख सकता है और फिर अंदर ही अंदर इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि वायरस कितना डेंजरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड कर्व्स आर कॉज्ड बाय वायरस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, कोल्ड हो गया, कोल्ड यानी कि सर्दी वगैरह, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको वायरस की वजह से ही ऐसी बीमारियाँ होती हैं, और बहुत सारी बीमारियाँ हैं लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। फिलहाल पोलियो एंड चिकन पॉक्स को तो अभी बहुत सारा दिन हो गया, अब ये बीमारी जल्दी किसी को होती नहीं है, बट फिर भी ये ऐसी बीमारियाँ वायरसेस की वजह से ही होती हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिली कि वायरस कभी भी खुद से जिंदा नहीं रह सकता है, इसको जिंदा रहने के लिए दूसरे होस्ट की जरूरत होती है। होस्ट मतलब कोई भी एक लाइफ, यानी कि जो ऑलरेडी जिंदा हो, जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग हो गया, ठीक है, कोई भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी प्लांट हो गया, ठीक है। तो इन सब की जरूरत होती है खुद को जिंदा रखने के लिए वायरस को, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखा देता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा बहुत सारे डायग्राम्स, यहां पे समझते हैं जल्दी जल्दी की डायग्राम्स मतलब कौन से कैसे वायरस बैक्टीरिया ये सब दिखते कैसे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा और यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग कि भाई प्रोटोजोआ ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और इसके वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो डिसेंट्री हो गया या मलेरिया, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। आपको पता होगा कि जो मॉस्किटो बाइट करता है यानी काटता है ना, तो ये देखो जो काटता है तो मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ, ना ही किसी वायरस और ना ही किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये होता है प्रोटोजोआ की वजह से, और मलेरिया ये बीमारी है, ठीक है। और जैसे टाइफॉइड हो गया, फिर ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी हो गया, ये भी सब बैक्टीरियल डिसीजेस होती हैं, ठीक है, याद रखना अच्छे से, ये सब बैक्टीरियल डिसीजेस है, जबकि डिसेंट्री एंड मलेरिया ये प्रोटोजोआ है, और पोलियो एंड चिकन पॉक्स हमने देखा कि वो वायरल डिसीज था, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं बैक्टीरिया कैसे दिखती हैं। तो बैक्टीरिया नॉर्मली सिलेंड्रिकल शेप में होती है, नॉर्मली मोस्टली बहुत सारी बैक्टीरिया सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं, ठीक है। फिर फंगाई कुछ ऐसे दिखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से, देखो यहाँ पे। फिर उसके बाद है अलगी, ये अलगी कुछ ऐसे दिखते हैं, अलगी के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे ये प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ भाई कुछ ऐसे दिखता है, अमीबा, पैरामोसियम, ये सब प्रोटोजोआ है, ठीक है। आपको बता दूं कि अमीबा बहुत ही डेंजरस प्रोटोजोआ है, अगर ये अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाए तो नॉर्मली 7 डेज में एक इंसान को खत्म कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है वायरसेस के बारे में, तो ये कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो अजीब टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल कोई किसी एलियन के स्पेसशिप की जरह दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वायरस है भाई, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सबके लिए, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए हेल्पफुल है, मतलब ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं, तो इनके बारे में हम लोग अच्छे समझते हैं। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेके हम कर्ड यानी कि दही, ब्रेड, केक ये सब बनाते हैं। तो कर्ड कैसे बनता है ये समझ लेते हैं हम लोग। तो कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके ही कर्ड प्रोड्यूस होता है। कर्ड नॉर्मली एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से ये कर्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, हमेशा इसको आपको याद रखना है। अब इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में होता क्या है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होती है, लैक्टोबैसिलस नाम की एक बैक्टीरिया होती है जिसके वजह से फॉर्मेशन ऑफ कर्ड होता है, ठीक है। और एक चीज और बता दूं कि ये जो लैक्टोबैसिलस नाम की जो बैक्टीरिया है ये मल्टीप्लाई होती है मिल्क के अंदर और इसी मिल्क को कन्वर्ट कर देती है किसमें, कर्ड में, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है।
करना है। नेक्स्ट है जो बैक्टीरिया होती है ये इन्वॉल्व होती है मेकिंग चीज़ में भी, पिकल्स में भी एंड अदर फूड आइटम्स को बनाने में भी बहुत सारी ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प करती है। तो ये थे अपने जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और भी जान लेते हैं, देखो कभी भी याद रखना जब भी फर्मेंटेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा बाहर निकलती है, ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखना। यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में होता क्या है, CO2 गैस हमेशा बाहर रिलीज होती है, ठीक है, ये बात हमेशा आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट समझते हैं। और इसी CO2 गैस की वजह से केमिस्ट्री में देखो क्वेश्चन बन सकता है, इसी CO2 गैस की वजह से बबल्स बाहर प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि कभी भी अगर किसी भी रिएक्शन में बबल्स प्रोड्यूस होता है तो उसमें से याद रखना हमेशा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन लाइक अल्कोहल, वाइन्स, ये सब कुछ इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। और जो विनेगर होता है, विनेगर ये बहुत ही अच्छा एक मतलब प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं हम लोग बहुत सारी चीज़ों को, लाइक पिकल्स हो गया, इन सब को हम लोग प्रिजर्व करने के लिए इसी मतलब विनेगर्स को यानी कि एसिटिक एसिड को यूज करते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का, ये अच्छा खासा प्रिजर्वेटिव मेजर्स है, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। और कमर्शियली भी वायरस का बहुत अच्छा खासा यूज है, क्योंकि वाइन्स और अल्कोहल्स के बारे में तो आपको पता ही है, ये कमर्शियली अच्छा खासा इकोनॉमी क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अभी हम लोग देखो यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है, तो फर्मेंटेशन कुछ नहीं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सुगर इनटू अल्कोहल बाय रिलीजिंग CO2 गैस। मतलब कि अगर सुगर कभी भी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और अगर CO2 गैस रिलीज होती है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भाई मेडिसिन में कैसे यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। चलो तो अभी यहां पे देख लेते हैं हम लोग, जब कभी भी आप लोग डॉक्टर्स के पास जाते हो तो आपको कैप्सूल या फिर इंजेक्शंस देता है, तो ये कैप्सूल्स या फिर इंजेक्शंस के अंदर होता क्या है, देखो मतलब सच पेनिसिलिन समझ लो आपको दे रहा है, ठीक है, तो ये पेनिसिलिन का भाई यूजेस क्या है, ठीक है, या फिर ये पेनिसिलिन होता क्या है, तो पेनिसिलिन और कुछ नहीं, ये होता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स अपने बॉडी के अंदर की जो बैक्टीरिया होती है, इन बैक्टीरिया को ये क्या करता है, किल कर देता है, ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और ये जो मेडिसिंस होते हैं ये स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ ऑफ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, समझ लो किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमको इलनेस आई है, हमको बीमारी हुई है, तो अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये क्या करेगा, उन बैक्टीरियाज की ग्रोथ को बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरियाज को मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या इरेथ्रोमाइसिन, तो इन सबको आपको नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहां पे जानेंगे वैक्सीन्स। एक्चुअली वैक्सीन्स क्या होता है, मैं आपको यहां पे एक बहुत ही अच्छा एक स्टोरी टाइप का बता देता हूं कि वैक्सीन एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। देखो आपको मैं यहां पे बताता हूं, एक होती बीमारी जिसका नाम है मीजल्स, ठीक है। चलो अब मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जो कि नॉर्मली बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होती है, ठीक है, लेकिन इसकी बीमारी की दवा कहीं भी नहीं है, बट ये एक वैक्सीन की वजह से ठीक हो सकता है। वैक्सीन की वजह से ठीक हो सकता है, तो मतलब क्या, कैसे इसे ठीक कर सकते हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि समझ लो आपकी बॉडी में कोई वायरस या फिर समझ लो आपकी बॉडी है ये, और आपकी बॉडी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया इंटर कर रहा है और इंटर कर गया, बट उसकी कोई दुनिया में दवा है ही नहीं, तो फिर आप कैसे बचोगे, तो आपके अंदर बॉडी के अंदर एक WBC नाम की एक चीज होती है। क्या होती है, WBC नाम की एक चीज, और इस WBC को हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इम्यून सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और ये इम्यून सिस्टम अपने बॉडी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किसी भी ऐसे वायरस या बैक्टीरिया, ठीक है, तो ये उनसे फाइट करता है उन वायरस और बैक्टीरिया को लड़ने में, ठीक है। अब अगर अपना इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो दुनिया की कोई भी वायरस और बैक्टीरिया हमें किल नहीं कर सकती है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो तो अभी हम लोग यहां पे देखते हैं कि भाई ये मीजल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये वैक्सीन का प्रोडक्शन मतलब ये इम्यून सिस्टम का प्रोडक्शन होता है, यानी कि WBC लाइक कोई एक एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि एक ऐसा एंटीबायोटिक्स बनाना जिसकी वजह से सामने वाला जो वायरस बैक्टीरिया है वो किल हो जाए,
जाए, अपने आप मर जाए, बट ये उसकी दवा नहीं है। ठीक है, तो कैसे ये समझते हैं हम लोग, तो आपको मैं बता दूं कि जो मीजल्स और होता है ना ये मीजल्स बीमारी, तो इसको इस मीजल्स जिस भी वायरस और बैक्टीरिया से होता है, इस वायरस और बैक्टीरिया को किल करने के लिए अपने बॉडी के अंदर ऐसा कोई भी WBC नहीं है, यानी कि वाइट ब्लड सेल या इम्यून सिस्टम नहीं है। तो फिर कैसे, तो हॉर्स एक मतलब हॉर्स आपको पता ही है, हॉर्स के अंदर मीजल्स बीमारी कभी नहीं होती है, बिकॉज इसके अंदर मीजल्स से फाइट करने के लिए एंटीबायोटिक्स है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग उठाते हैं अपने बॉडी का जिसको भी मीजल्स हुआ है उसके अंदर के ब्लड को निकाल के इस हॉर्स के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, और जब हम हॉर्स के अंदर मीजल्स के कोई भी ऐसे वायरस बैक्टीरिया डाल देंगे तो हॉर्स के अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा, और फिर उससे जो भी एंटीबायोटिक रहेंगे वो रेडी हो जाएंगे, पूरे ब्लड में आ जाएंगे और उसके अंदर के वायरस और बैक्टीरिया को किल कर देंगे जो मीजल्स के हमने इंजेक्ट किए थे। और जैसे ही इसके अंदर की बॉडी में जो इसकी इम्यून सिस्टम है या फिर WBC है आएगा, तो पूरे के पूरे ब्लड में सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम उसे बाहर निकालेंगे और फिर हम उसकी वैक्सीन क्रिएट कर देंगे और फिर हम उसे इंसानों के अंदर भी देंगे, जिससे कि हमारे अंदर भी मीजल्स कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये वैक्सीन आखिर थी क्या, वैक्सीन कुछ और नहीं, ये होता है एंटीबायोटिक्स जो कि हमें इंसानों या किसी कहीं भी और से मिलती है, और एक टाइप की दवा होती है जो कि माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इन्वेडर मतलब होता है जब भी कोई भी दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में एंटर करता है, जबकि हम नहीं चाहते कि ये एंटर करे, उसे हम बोलते हैं इन्वेडर। तो जब भी कोई भी ऐसे इन्वेडर इन्वेड करता है अपने बॉडी के अंदर, लाइक बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी, तो हम सुटेबल एंटीबॉडीज़ को यूज करते हैं। एंटीबॉडीज़ मतलब वही इम्यून सिस्टम यानी कि WBC। नॉर्मली WBC के अंदर 5 टाइप होते हैं, जिसमें से एक का नाम है मोनोसाइट। क्या नाम है इस एक के अंदर का, मोनोसाइट, और ये हमें हेल्प करता है किसी भी मतलब इन्वेडर से लड़ने में या फाइट करने में। ठीक है, और यही मोनोसाइट्स जो भी चीज़ें एंटीबॉडीज़ का क्रिएशन ही क्या होता है, वैक्सीन का प्रोडक्शन। ठीक है, ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। ठीक है, तो ये वैक्सीन ऐसे काम करते हैं, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस है, इन सबको हम लोग दवा से, इनकी कोई कहीं भी दवा अब तक नहीं बनी है, बट वैक्सीनेशन से ठीक कर सकते हैं। समझ लो आप एक इंसान हो और आपने ऑलरेडी कोई भी एक पोलियो, समझ लो पोलियो की आपने वैक्सीन लेके रखी है, तो जिंदगी में लाइफ में कभी भी अगर आपके अंदर पोलियो का वायरस या बैक्टीरिया आता है तो आपके अंदर ऑलरेडी वो वैक्सीन अवेलेबल रहती है, और जिससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये फायदा होता है वैक्सीन का। ठीक है, मतलब लाइफ में फ्यूचर में कभी आपको बीमारियां नहीं हो सकती हैं अगर आपने उस चीज की वैक्सीन ली है तो। ठीक है, चलो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में समझ लेते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। ठीक है, मतलब कि बाहर से आने वाले वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे डिसीज कॉज हो सकता है। ठीक है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल कर देते हैं फूड को, क्लोथ को, लेदर को, और इन सभी जगहों से ये फैलते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये किसी को भी डिसीज में ला सकते हैं, किसी के अंदर भी डिसीज को क्रिएट कर सकते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स के अंदर भी, प्लांट के अंदर भी, और एनिमल्स के अंदर भी, ये किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये होते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये बहुत सारे इनके पास तरीके हैं किसी को भी हार्म करने के। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ नॉर्मली एयर, वाटर और फूड से होती है। ठीक है, और ये कोई भी ट्रांसमिट होती है कभी भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू। कोई भी अगर एक पर्सन है जिसको कोई भी ऐसी डिसीज़ है जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू किसी भी मतलब एयर के कॉन्टैक्ट में आने से, वाटर के कॉन्टैक्ट में आने से, या फूड के कॉन्टैक्ट में आने से फैल सकता है, तो ये हमेशा उसे फैला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेबल डिसीज होती है ये फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट या फिर एयर या फिर वाटर से भी क्या हो सकती है, फैल सकती है ऐसी डिसीजेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। लाइक एग्जांपल से कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB, ये सारी बीमारियां छूने से, फैलने से, खाने पानी या फिर एयर, इन सब से फैल सकते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। समझ लो कोई इंसान अगर कोल्ड से स्नीज करता है, छींके मारता है, और उसके फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके अंदर, ये वायरस बैक्टीरिया भरे हुए होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वायरस बैक्टीरिया एक इंसान के स्नीजिंग में भरे होते हैं, और वही वायरस और बैक्टीरिया एयर के थ्रू किसी दूसरे इंसान के अंदर भी फैल सकता है। तो ये होते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस, मतलब जो कम्युनिकेशन के थ्रू जो डिसीजेस एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है।
करना है। चलो एक टेबल देख लेते हैं जिसमें से आपका एक सारा डाउट क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, इनमें से जो ट्यूबरकुलोसिस है ये बैक्टीरियल डिसीज है और बाकी ये सब वायरल डिसीजेस होती हैं। ये देखो जो ट्यूबरकुलोसिस और मीजल्स है ये नॉर्मली एयर से क्या होता है, एयर के या फिर वाटर के कॉन्टेक्ट में आने से फैलते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपको ये सब बीमारियाँ ना हो तो ऐसे इंसान से दूर रहो जिसको ये सारी चीज़ें जैसे ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स या पोलियो कुछ भी बीमारियां हैं, तो इनसे आपको दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉलेरा या फिर टाइफॉइड, ये दोनों के दोनों बैक्टीरियल डिसीज है। बाहर का खाना खाते हैं, वाटर, फूड, ये सब कुछ ऐसा गंदा पानी या फिर कंटामिनेटेड वाटर कुछ भी अगर आप ऐसा पीते हो, खाते हो, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, अपनी हैबिट्स को अच्छी बनानी चाहिए। हेपेटाइटिस वगैरह अगर कोई है तो ये एक वायरल डिसीजेस है, ये नॉर्मली गंदे पानी पीने से होती है, तो हमेशा याद रखना ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर आपको कर पीना है। मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ से होता है, मैंने पहले ही बता दिया है, और प्रोटोजोआ मॉस्किटो से प्रोड्यूस होता है इस दुनिया में, ठीक है। सिर्फ मॉस्किटो ही प्रोटोजोआ को नॉर्मली प्रोड्यूस करता है, तो आपको ऐसे जगह से दूर रहना है जहाँ पे मॉस्किटोज होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये सिर्फ इंसानों को ही नहीं, ये सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं ना उनको भी ये डिसीज़ मतलब फैलती हैं। तो एंथ्रेक्स नाम का एक ऐसा डेंजरस मतलब एक चीज़ है, ऐसी एक बीमारी है जो कि ह्यूमन ही नहीं ये कैटल को भी मतलब जो बीमारियाँ हैं ऐसे कैटल्स को भी प्रोड्यूस होती हैं, मतलब प्लांट्स से दूसरे एनिमल को भी हो जाती हैं, और ये बाय बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। फूट और माउथ की डिसीजेस इसके द्वारा होते हैं, मतलब अगर किसी को एंथ्रेक्स हुआ है तो कैटल के अंदर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान समझना, ये फूट या फिर माउथ में प्रॉब्लम हो जाती है, इसे एंथ्रेक्स बोलते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जो भी है वायरल डिसीजेस हैं ये सब कुछ ये सारे प्लांट्स को, ये सारे मतलब एनिमल्स को, यानी कि सारे लिविंग बींग्स को डिसीज में ला सकते हैं, कॉज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है लाइक सुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, अदर्स, इन सब में भी ये फैल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कौन से मतलब ऑर्गेनिजम्स या फिर डिसीजेस हैं जो कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि, और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, तो साइट्रस और सैंकर ये दो टाइप की ऐसी बीमारियाँ डिसीज है जो बैक्टीरिया से होती है और एयर के थ्रू फैलती है और ये प्लांट के अंदर होते हैं सारे बैक्टीरिया। रस्ट ऑफ वीट ये फंगाई के थ्रू होती है और ये एयर्स या फिर गंदे सीड की वजह से होती है क्रॉप्स के अंदर। येलो वेन मोज़ेक यानी भिंडी में ऐसी बीमारियां होती हैं और ये नॉर्मली वायरस के थ्रू होती है और ये इंसेक्ट के थ्रू नॉर्मली कॉज होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब इंसेक्ट से होते हैं ये वायरस को प्रोड्यूस करके ऐसे फसल से होती है यानी कि जो क्रॉप होती है इसके अंदर ये डिसीज फैला देते हैं, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग आगे समझते हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में। फूड पॉइजनिंग और कुछ नहीं होता, समझ लो आपने खाना प्रॉपर अच्छे से बनाया और कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके उसके अंदर अपने अंदर की जो भी बीमारियां हैं, जो वायरस है या बैक्टीरिया है आके उसमें बैठ गई और इससे फूड क्या होता है, ये पूरा का पूरा फूड स्पॉइल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरा का पूरा फूड जो होता है स्पॉइल्ड हो जाता है और इससे ह्यूमन बींग जब उस फूड को खाना खाता है तो उससे हमको वॉमिटिंग है या फिर बहुत सारी ऐसी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये होता है फूड पॉइजनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको फूड पॉइजनिंग से बचना है तो खाने के अंदर सोडियम बेंजोएट या फिर मेटाबायसल्फेट नाम के ये दोनों कॉमन सॉल्ट होते हैं, इनको हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यू पॉइंट में बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पाश्चराइज मिल्क के बारे में समझ लेते हैं। जो पाश्चराइज मिल्क होता है ये मिल्क को कंजर्व करने से पहले, कंज्यूम करने से पहले यानी कि यूज करने से पहले हम लोग इसको 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में गर्म कर देते हैं और ऐसा करने से जो वायरस और बैक्टीरिया होती हैं ये इसके अंदर बाद में फ्यूचर में कभी बनेंगी ही नहीं। जब वायरस और बैक्टीरिया यानी कि माइक्रोब्स कभी मिल्क के अंदर आएंगे ही नहीं तो ये मिल्क कभी खराब ही नहीं होगा। तो चलो देख लेते हैं हम लोगों ने कौन कौन से कीवर्ड्स पढ़े, ठीक है। तो हम लोगों ने इतने सारे कीवर्ड्स पढ़े हैं, अलगी है, एंटीबायोटिक्स है, एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया। देखो एंटीबायोटिक्स क्या होता है, जो वायरस को खत्म करता है, एंटीबॉडी अपने बॉडी के अंदर होती है, बैक्टीरिया है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैरियर क्या होता है, कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करता है लाइक फूड है, वाटर है, ठीक है, ये सब एक क्या होते हैं, कैरियर्स होते हैं। फिर कम्युनिकेबल डिसीज देखा, फर्मेंटेशन, फंगा, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस नाम की बैक्टीरिया देखी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये सब।
चलो अब देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का, मतलब जो जिनको जेई वगैरह करना है मतलब, तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्ट होता है उन सब के लिए भी। मतलब ये सभी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली ये टॉपिक्स आपको 11th और 12th के पॉलीमर चैप्टर में मिलेगा, पॉलीमर या फिर पॉलीमराइजेशन इस चैप्टर में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर्स या फिर प्लास्टिक्स का चैप्टर पढ़ना, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं इसको फटाफट, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है ये। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो मतलब प्लास्टिक्स है या फिर कोई भी फाइबर्स है ये आते कहाँ से हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फैब्रिक्स के बारे में। फैब्रिक्स क्या होता है, जो कपड़े होते हैं, प्लास्टिक्स होती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि फाइबर से बनती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फैब्रिक्स, ठीक है। और ये जो फैब्रिक्स होते हैं यानी कि जो फाइबर्स होते हैं, क्योंकि फाइबर से ही फैब्रिक्स बनती है, तो फाइबर्स क्या होता है, तो फाइबर्स नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स बहुत सारे हैं, लाइक कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, तो ये सब के सब कैसे हैं, बहुत जितने भी हैं ये सब नेचुरल मतलब फाइबर्स हैं। और आर्टिफिशियल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जिनको इंसान, ह्यूमन बींग्स खुद बनाता है, और ऐसे वाले आर्टिफिशियल फाइबर्स को हम लोग सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक मतलब यानी कि सिंथेसाइज करना, और सिंथेसाइज करना मतलब जिसको इंसान खुद बनाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो ऐसे फाइबर्स जिनको इंसान खुद बनाता है यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं, ठीक है, आपको ये बात हमेशा याद रखना है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर्स, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट समझते हैं अभी हम लोग। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है ना, ये हमेशा छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स ऑफ फाइबर से कंबाइन होकर बनता है। क्या होता है ये, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स ऑफ फाइबर, समझ लो एक बड़ा सा फाइबर इतना बड़ा, तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स ऑफ फाइबर रहेंगे, और ये छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स ऑफ फाइबर कंबाइन होकर एक ये बड़ा सा फाइबर क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो स्मॉल यूनिट्स है ये ज्वाइन होकर बड़ा सा फाइबर बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर में। इनमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस भी यूज होते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो दो चीज़ें होती हैं, एक का नाम है मोनोमर। क्या नाम है इसका? मोनोमर। मोनो मतलब होता है सिंगल, मर मतलब स्ट्रक्चर, और एक चीज़ होती है पॉलीमर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, दोनों एक ही बात है, बस डिफरेंस ये है कि पॉलीमर मतलब बहुत सारा, तो एक बड़ा सा चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग, बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर मतलब छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, अब ये सारे के सारे स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस बड़े से मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर, एंड इन स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं मोनोमर। तो व्हेन मोनोमर कंबाइन देन पॉलीमर, जो पॉलीमर विल बी फॉर्मड, तो जो पॉलीमर होता है ये मोनोमर के कॉम्बिनेशन के बाद फॉर्म होता है, ठीक है। इसीलिए यहां पे समझते हैं, द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीनिंग मेनी एंड मर मीनिंग पार्ट और अ यूनिट, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और यही मोनोमर जब कंबाइन होकर बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है, तो इस पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, बिकॉज पॉलीमर ही सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेचुरल पॉलीमर भी अपने पास है। तो जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज एक ऐसा पॉलीमर है जो कि आपने ग्लूकोज का तो नाम सुना ही होगा, तो बहुत सारे ऐसे हजारों करोड़ों ग्लूकोज के यूनिट्स कंबाइन होके एक सेलुलोज बनाते हैं, सेलुलोज समझ गया, जो कि कॉटन के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि ये एक प्लांट है कॉटन, यानी कि एक चीज़ है जिसके अंदर सेलुलोज होता है, और ये सेलुलोज बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनता है। यानी कि ग्लूकोज अपना हो गया मोनोमर, क्या हो गया ये मोनोमर, एंड सेलुलोज हो गया पॉलीमर, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। चलो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में। तो सबसे पहला है रेयन। रेयन जो होता है ये एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है। क्या होता है ये? आर्टिफिशियल सिल्क, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रेयन एक आर्टिफिशियल सिल्क है, ये नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है और वुड पल्प से बनता है, और ये मैन मेड फाइबर है, ठीक है। आगे बात देखते हैं कि ये सिल्क रेयन के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, जिसमें हम लोग डाई यानी कलर भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और ये बहुत ही चीप होता है सिल्क से, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझते हैं नायलॉन। नायलॉन जो होता है ये मैन मेड एक फाइबर होता है, और ठीक है अगला पॉइंट हम, बाकी के आपके एनिमल विनिमल से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये मैन मेड एक फाइबर है, बस आप इतना समझिए। और नायलॉन जो होता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग, इलास्टिक और लाइट वेट होता है, जिससे जो बड़े बड़े
रस्सियाँ होती हैं ना, स्ट्रिंग होती हैं, बड़े बड़े स्ट्रिंग, वो सब नायलॉन से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये लस्टर यानी कि इसके अंदर चमक भी होती है और वॉश भी कर सकती है, यानी कि इसे साफ भी कर सकते हो नायलॉन को। तो ये सब इसके यूजेस हैं। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग पॉलिस्टर और अक्राइलिक क्या होता है, ठीक है। तो पॉलिस्टर एक टाइप का सिंथेटिक फाइबर है जो कि फैब्रिक से बनता है, मतलब इसी भी फैब्रिक से आप बोल सकते हो, इसको भी इजी टू वॉश है, आप इसे साफ कर सकते हो। और ये बहुत ही मतलब ड्रेस मटेरियल जैसे कोई भी कपड़े वगैरह बनाने में यूज होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है पॉलिस्टर का टेरिलिन। क्या होता है ये टेरिलिन, आपको याद रखना है, ये बहुत ही पॉपुलर पॉलिस्टर है, एग्जाम्पल है टेरिलिन पॉलिस्टर का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अभी जो पीईटी होता है, आपने इसका नाम सुना है, पॉलीइथाइलिन टेरिप्थैलेट, ये एक चीज होती है जो कि पॉलिस्टर का बहुत ही कॉमन और यूजेबल चीज़ है, ठीक है। ये बहुत ही जगह यूज होती है, जैसे कि बॉटल्स हो गया, घर में जो पानी पीने के बॉटल्स होते हैं, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स, इन सब में ये पीईटी यानी कि पॉलीथाइलिन टेरिप्थैलेट ये यूज होता है, बहुत सारे फिल्म, वायर या यूटेंसिल्स में, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाने में यूज होता है जो कि ये पॉलिस्टर है, और अक्राइलिक भी सेम चीज़ है। चलो आगे समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लास्टिक्स को, ठीक है। तो चलो भाई समझते हैं, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, यानी कि बहुत सारे स्मॉल स्मॉल मोनोमर को कंबाइन करके पॉलीमर बनता है। मैं आपको बहुत अच्छा एक चीज़ बता दूं, पॉलीइथीन, ये आपने नाम सुना होगा। इथीन क्या होता है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड चीज़ होती है, पॉली मतलब मेनी होता है। तो बहुत सारे सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ इथीन कंबाइन होके क्या बनाते हैं, पॉलीइथीन बनाते हैं, मतलब कि जो इथीन होता है ये एक टाइप का मोनोमर है, ठीक है। और ऐसा मोनोमर कंबाइन होकर बहुत सारा पॉलीमर बनाता है, यानी कि जो पॉलीथीन है ये एक टाइप का पॉलीमर होता है, समझ गया आपको। तो याद रखना प्लास्टिक भी एक टाइप का सिंथेटिक फाइबर है जिसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, मतलब सारे प्लास्टिक में सेम अरेंजमेंट तो नहीं होती है, बट ये नॉर्मली पॉलीमर ही होते हैं। अब जो प्लास्टिक्स होती है दो टाइप की होती है, पहला तो हो गया थर्मोप्लास्टिक्स, दूसरा हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। जो थर्मोप्लास्टिक होती है, ऐसे प्लास्टिक्स यानी कि ऐसे पॉलीथीन या पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं, ऐसे प्लास्टिक जिनमें थर्मो मतलब हीट होता है, तो हीट से जिनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। और उस हीट के वजह से जो भी आप स्ट्रक्चर उसका चेंज कर सकते हो, उससे वापस से आप नई चीजें कुछ बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जैसे टॉय हो गया, कॉम्ब है, या फिर वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, ये सब बनाने में हेल्प करता है थर्मोप्लास्टिक्स। और दूसरी बात है थर्मोसेटिंग जो होता है, ये ऐसा एक प्लास्टिक होता है जिसको आप एक बार मोल्ड कर दो, यानी कि आप एक बार हीट प्रोवाइड कर दो, तो ये प्लास्टिक दोबारा कभी भी आप इसे सॉफ्ट नहीं कर सकते हो, यानी कि ये हार्ड का हार्ड ही बना रहेगा हीट करने के बाद। तो ये होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग मतलब एक बार हीट दो और अगर प्लास्टिक जैसे फॉर्म में सेट हो जाएगा वैसे ही हमेशा सेट रहेगा, दोबारा आप उसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। बट थर्मोप्लास्टिक जो होता है, थर्मोप्लास्टिक को आप बदल सकते हो हीट प्रोवाइड करके, ठीक है। दो बहुत ही अच्छे एग्जांपल हैं प्लास्टिक के, एक बेकेलाइट और मेलामाइन, इन दोनों को समझते हैं। जो बेकेलाइट होता है ये अपने घर के स्विचेस या फिर हैंडल्स ऑफ कुकर यानी यूटेंसिल्स वगैरह, या फिर मतलब जो चीज़ें होती हैं ना, ये सब बनाने में हेल्प करता है। और जो बेकेलाइट है ये और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही पुअर कंडक्टर है, ये एमसीक्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेलामाइन, ये भी एक प्लास्टिक का ही बहुत अच्छा एग्जांपल है, और जिससे हम लोग किचन के बहुत सारे सामान, फैब्रिक्स बनाते हैं, फ्लोर के टाइल्स बनाते हैं, और फायर को रजिस्ट करने के लिए मेलामाइन यूज करते हैं। और ये एकदम नॉर्मल है जो फायर को रजिस्ट कर सकता है, एक ऐसा प्लास्टिक जो फायर को रजिस्ट कर सकता है उसका नाम है मेलामाइन, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। चलो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं वेस्ट मटेरियल्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस देखो तो यहाँ पे दो टाइप के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वेस्ट मटेरियल, ये इजीली आप फेंक दो खेतों में या कहीं भी रास्ते में, ये डिग्रेड हो जाते हैं, यानी कि कम से कम 10 to 15 years में या कुछ मंथ में ये गायब हो जाते हैं। बट कुछ ऐसे मटेरियल जो कि कभी भी डिग्रेड ही नहीं होते, जैसे कि पॉलीथीन हो गया है, पॉलीथीन कभी भी लाइफ में ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि यूरेनियम हो गया, यूरेनियम को भी आप रख दो तो 1,000 crore साल भी आके देखोगे वैसा का वैसा ही यूरेनियम आपको रखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं और कुछ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होता है। तो याद रखना दो टाइप के वेस्ट मटेरियल हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट में। प्लास्टिक बैग्स है तो इनको सेवरल ईयर्स, कितने ईयर्स लगते हैं, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो याद रखना, टीन है, एल्यूमिनियम है और बहुत सारे मेटल के कैंस है और प्लास्टिक बैग्स है, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बाकी क्लोथ है, वुड है, फिर कॉटन है, पेपर है, फूड स्टफ्स है, ठीक है, पील्स ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स, ये सब के सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इनको इतने वीक्स लग सकते हैं डिग्रेड होने में, बट ये सब के सब कभी भी डिग्रेड नहीं होते क्योंकि इनको 100 से 500 साल लगते हैं, तब तक तो ये पूरी वाट लगा देगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं, जो डिग्रेड नहीं हो सकते उनको हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, और रिसाइकलिंग के लिए हम लोग उनके अंदर अलग अलग टाइप के कलर लगा सकते हैं और ड्यूरिंग रिसाइकलिंग के टाइम पे, ठीक है। और रिसाइकल करने के 5 बहुत से अच्छे 5R सॉल्यूशन के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। तो इनके ये 5R प्रिंसिपल क्या होता है, रिड्यूस है, रीयूज है, रिसाइकल है, रिकवर है, रिफ्यूज। ये कभी भी जल्दी नीट या फिर कभी भी जेई वगैरह में पूछता तो है नहीं, बट फिर भी आपको केमिस्ट्री के लिए याद रखना है, ठीक है, ये केम में हमेशा पूछता है, ठीक है। चलो क्योंकि जस्ट ये थोड़ा सा एक 8th स्टैंडर्ड है, बहुत ही चिंदी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ये सारे कीवर्ड्स हम लोग ने यहाँ पे अच्छे से आज सीखे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि भाई अक्राइलिक क्या होता है, आर्टिफिशियल सिल्क है, नायलॉन है, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयन, सिंथेटिक फाइबर, टेरिलिन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसिटिंग प्लास्टिक, ये सब हम लोग ने अच्छे से आज यहाँ पे सीखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वाले क्रैश कोर्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, प्लीज एंड प्लीज अगर आपको अच्छा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे सभी बच्चों का फायदा हो जाए, ठीक है। आप कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आपको ये पूरे वर्ड की पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे मिलेगी ज्वाइन बटन, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और फिर कीजिए मुझसे कांटेक्ट, फिर मैं आपको दे दूंगा बहुत ही अच्छे से सारे के सारे, इन सारे के सारे जो भी इसकी पीडीएफ है वो, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग मुझसे ईमेल से पहले ही स्लाइड में जो मैंने आपको दिखाया था वहां से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात है, आपको एक बात और बता दूं मैं कि इसके जब चैनल में नीचे आप जाओगे तो वहाँ पे आप लोग कम्युनिटी टैब दिखेगा, कम्युनिटी टैब में आपको सारी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाया करेंगी, वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह में भी हर जगह फॉलो कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ये था L1 यानी कि लेक्चर फर्स्ट। लेक्चर सेकेंड में मैं अगला वाला पार्ट जरूर जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग को कोई भी डाउट हो तुरंत आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।